नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना शाम के पांच बजने वाले हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का यानी कि दंगल का और दंगल की सियासी बिसात इस वक्त बिछी हुई है पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव में अभी थोड़ा सा वक्त भले बाकी हो लेकिन बीजेपी ने लगता है पूरी ताकत बंगाल में ही झोंकने का फैसला कर लिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में पहुंचे हैं रोड शो हुआ शक्ति प्रदर्शन हुआ और इसी शक्ति प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने यह संकेत दे दिए के चुनाव को लेकर वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह की रणनीति अपनाने की तैयारी कर चुकी है टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट समेत तमाम पार्टियों से कम से कम दस बड़े चेहरों ने आज अमित शाह की मौजूदगी में बंगाल में बीजेपी का धामन थाम लिया है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में किसान के घर जाकर भोजन करके अमित शाह ने यह भी संकेत दे दिए कि वो हर तबके को ममता बनर्जी के खिलाफ अपने साथ करने की तैयारी करके पश्चिम बंगाल के राजनीतिक मैदान में उतरे हैं पश्चिमी मिदनापुर में आज अमित शाह मौजूद हैं, वहां रोड शो हुआ वहां अमित शाह की रैली शक्ति प्रदर्शन के तौर पर हुई और आज तक ने इसके बाद अमित शाह से जब खास बातचीत की तो कुछ सीधे सवाल हुए जिसमें अमित शाह ने दावा किया कि अब की बार बंगाल में बीजेपी दो पार करेगी लेकिन वो बातचीत आपको सुनवाएं उसके पहले रैली में अमित शाह ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किस तरीके से चुनौती दी है आपको सुनवाते दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है दीदी मैं आपको याद कराने आया हूं आपकी मूल पार्टी कौन सी है तृणमूल कांग्रेस थी क्या जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था आज भाई सिन्दु अन्याय के खिलाफ बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं आपको दल बदल लग रहा है ये दस करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है आपकी नजर में अपना भतीजा है कब इसको मुख्यमंत्री बना दे कब इसको मुख्यमंत्री बना दे मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को क्या दोष है आपका क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है और दीदी कान खोल कर सुन लो आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए परिणाम देख लेना इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही थी तो हम आपको बताएंगे दंगल में आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होने वाले हैं लेकिन उसके पहले आज तक ने जब अमित शाह से बंगाल में आज कुछ सीधे सवाल किए तो उन्होंने क्या जवाब दिए आपको उसकी भी एक झलक सुनवा देते हैं गृह मंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल में है इलेक्शन को अभी भी चार या पांच महीने बाकी है पर जो घमासान है यहाँ का वो शुरू हो चुका है क्या आपको परिवर्तन का दौर नजर आ रहा है सर बिल्कुल यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी मैं पहले भी बंगाल आया एक डेढ़ महीने पहले आज भी आया हूँ सुबह से जब से मैं निकला हूँ मैंने जनता को रोड पर देखा है आज ये मिदनीपुर के अंदर भी रास्ते में पूरा रोड शो हो इस तरह का स्वागत मिदनीपुर जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं का करा छो नृत्य करते हैं फूल फेंकते हैं पर स्वयंभू भीड़ है मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं बंगाल के ही विषय पर अगर आपसे बात करें तो ममता बनर्जी का कहना है कि यहां पर जो है भाजपा एक इनसाइडर आउटसाइडर कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है जब अमित शाह जाते हैं खुदीराम बोस के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए या स्वामी विवेकानंद के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए तो एक नेरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ये है तो आउटसाइडर्स नहीं अमित शाह को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है ना ममता जी के खिलाफ चुनाव तो मेरा बंगाल का कार्यकर्ता लड़ेगा बंगाल के कार्यकर्ता लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बंगाल का इसी मिट्टी का मानूस होगा कौन होगा सर? जो भी होगा मगर मैं तो यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ और मैं बंगाल की जनता से बातचीत नहीं कर सकता क्या हमारी राजनीति इतनी संकीर्ण हो जाएगी ये तो बंगाल का संस्कार नहीं है रविन्द्र ठाकुर की भूमि है जो पूरे विश्व को अपना घर मानती है इतनी संकीर्ण राजनीति कभी भी ये भाषा बंगाल में पहले नहीं बोली गई फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं ममता जी आप चिंता मत करिए आपके खिलाफ बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे वो ही आपको हराएंगे और अगला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की ही मिट्टी से मिलेगा भाजपा के लिए लक्ष्य क्या होगा बंगाल में से? हमने तो रखा ही है दो पार और पूर्ण बहुमत के साथ बड़े बहुमत के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं ममता बनर्जी का कहना है कि जब आप डीजीपी सीएस इनको समन करते हैं या फिर सेंट्रल डेप्यूटेशन करवा देते हैं तीन आईपीएस ऑफिसर्स का क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनके कॉनबॉय पर हमला हुआ तो आप फेडरल स्ट्रक्चर के यू गोइंग अगेंस्ट इट आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रहे मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ ममता दीदी को उन पर किसी भाजपा शासित राज्य पर हमला हुआ तो वो क्या करती लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है हमने कोई एंक्रोचमेंट नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार संवैधानिक दायरे में ही अपना काम कर रही है मगर कोई राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी इन पावर के अध्यक्ष जब दौरे पे हो आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित न करो क्या आप इसे भय फैलाना चाहती हैं मैं इतना ही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं 300 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आपको क्या कहना है देखिए मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को कि देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ डेढ़ साल के अंदर तीन से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और हर हत्या में क्या हुआ इसका एक व्हाइट पेपर वो बंगाल की जनता के सामने कितनों में अरेस्ट हुई कितने में चलान फाइल किए गए कितनों को सजा दिलाई गई तो बंगाल की जनता को सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी और परिणाम आएगा, आएगा तब ममता दीदी को भी मालूम पड़ जाएगी कि बंगाल की जनता हिंसा पसंद नहीं करती दी। ममता दीदी तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता दीदी शायद जनवरी महीने से 600 सौ रैलियां कर दे पूरी तरह से सड़क पर उतर जाएगी जो कि उनका यूएसपी रहा है इससे पहले भी तो भाजपा इसे किस तरह से देखती है अच्छी बात है हम तो स्वागत करते हैं सभी दलों ने अपना विचार चुनाव में जनता के सामने रखना चाहिए हम भी हमारा विचार रखेंगे वो भी इतना है कि हमारी रैली होने दिवस उनकी रैली तो हो जाएगी क्योंकि वो पावर में है मगर दूसरी पार्टियों की रैलियां जब होती है तो ना परमिशन मिलती है ना हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन मिलती है ना भीड़ को आने की परमिशन मिलती है गाँव में रोक दिया जाता है रोड पर रोक लिया जाता है तो ममता दीदी अपनी रैली करे मगर दूसरों को भी करने दे एक ममता दीदी और इस लोकेशन को जोड़ते हुए सवाल है सर कि आप एक किसान के घर में भोजन कर रहे थे इस वक्त ममता दीदी जो पावर में आई 2011 में एक किसानों की नेत्री के तौर पर आई नंदीग्राम और शिंगूर के बलबूते पर आई तो आप लगता है वो इमेज वो परसेप्शन आप ब्रेक कर पाएंगे देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर तो दिखाई पड़ता है मगर प्रधानमंत्री ने भेजा हुआ छह हजार रुपया इनको नहीं मिलता है क्योंकि ममता दीदी रोक कर बैठ गई है उनको भय है भाई हजार इनको घर पहुंच गया तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी भाई आपके नाम से भेज दो मगर ये किसानों को जो मोदी जी सहायता भेजते हैं वो सहायता तो उनको मिलने तो सुना आपने अमित शाह ममता बनर्जी को सीधे चुनौती दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में उनके गढ़ में जाकर और साथ ही दावा यह भी कर रहे हैं कि हम तो 200 सीटें पार करने का लक्ष्य लेकर बंगाल के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं हमारे साथ शाहनवाज हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं इस वक्त श्रीनगर से लाइव दंगल का हिस्सा बन रहे हैं हमारे साथ आ रहे हैं जितेंद्र तिवारी जो कि एमएलए हैं तृणमूल कांग्रेस के आपको बता दें कि जो शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हुए हैं उनके इस्तीफा देने के कुछ देर बाद जितेंद्र तिवारी के बारे में भी कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया लेकिन फिर वो वापस तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा हो गए हमारे साथ मनोजीत मंडल आ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं पश्चिम बंगाल से आते हैं पढ़ाते हैं वैसे हमारे साथ तो गए वरिष्ठ पत्रकार हैं बंगाल की राजनीति पर खासतौर पर उनकी नजर रहती है आप सबका स्वागत है शांतनु नुसेन साहब भी हमारे साथ आएंगे आपसे कुछ मिनट के बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा तिवारी जी आपसे है जितेंद्र तिवारी जी ऐसे और कितने लोग हैं जो बीजेपी को लग रहा है उनके साथ आ जाएंगे लेकिन असल में आपकी तरह टीएमसी के साथ रहेंगे जी दीदी को जो भी प्यार करते हैं बंगाल को जो भी प्यार करते हैं सारे के सारे लोग तृणमूल के साथ ही रहेंगे बीजेपी तो कह रही है दीदी अकेले रह जाएंगे आज कहा अमित शाह ने जी वो सभा में आए थे और उन एक चूंकि ये राजनीतिक सभा है तो राजनीतिक सभा में तो माननीय गृह मंत्री जी ऐसी बात ही कहेंगे यही अपेक्षा थी क्योंकि वो दूसरी पार्टी से हैं तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है वो बीजेपी के सभा में तो तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोलेंगे वो बीजेपी के पक्ष में ही बोलेंगे यही स्वाभाविक है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है लेकिन आपका प्यार दीदी के प्रति या बंगाल के प्रति अचानक बीच में छिटा क्यों गया था आपके बारे में खबरें आ रही थी कि आप भी ज्वाइन करने वाले हैं आज लेकिन आप फिर वापस दीदी, हो दीदी दीदी के प्रति मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ था दीदी के साथ मैं हूं यह हमेशा मैंने कहा था। एक भी वीडियो क्लिपिंग यदि आपके पास हो जब मैंने कहा था कि मैं दीदी के साथ नहीं हूं दीदी को नहीं मानता हूं दीदी को प्यार नहीं करता हूं तो आप मुझे दिखा सकते हैं तो किससे नाराजगी थी आपकी जो आप के जाने को तैयार हो गए थे जी जी सिस्टम में कुछ कठिनाई कट, हो रही थी काम करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे और मेरा आवेग था जिस आवेग से मैंने दल को अवगत कराया था दल ने मेरी बात सुनी और मुझे अपने आवेग पर कंट्रोल करने के लिए कहा और पार्टी ने कहा आ, कि आ, जो कुछ आपके मन में है जो बातें आप कहना चाहते हैं वो पार्टी के फोरम में आप कह सकते हैं और चूंकि आप दीदी के चहते भाई हैं इसलिए दीदी के साथ आ, पार्टी को और मजबूत करें और संगठन के लिए काम करें राज्य को और आगे ले जाएं तो मेरा भी जो भी आवेग था वो समाप्त हो गया और मैं आपके? आप सक्रिय रूप से फिर पार्टी के साथ काम कर रहा हूं आपके साथ के नेता जो आ गए हैं बीजेपी में वो तो कह रहे, आ, वो कह वो रहे हैं कि टीएमसी अब ममता बनर्जी नहीं चलाती अब तो कोई और चला रहा उसमें वो एक पोल मैनेजर का नाम ले रहे हैं और साथ ही उनके भतीजे का नाम ले जी, रहे दे, देखिए जाने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए क्योंकि कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं पद के लालच में दूसरी पार्टी में जा रहा हूं दूसरी पार्टी में जब लोग जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीजनिंग देना पड़ता है जनता के सामने यही रीजनिंग वो देना उचित समझते हैं यदि ये ही मामला था कि तो आज ही क्यों चुनाव के पहले ही क्यों चुनाव के पहले भी तो ये निर्णय लो, लोग ले सकते थे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये भय सता रहा है कि शायद मैं चुनाव नहीं जीत पाऊं दीदी ने बार बार उनको काम करने का मौका दिया लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया जनता का काम नहीं किया उन्हें यह लग रहा है कि जनता के मन में उनके प्रति आक्रोश है तो कहीं पाला बदल के फिर से चुनाव जीत जाए इस उम्मीद में वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को मनाने की कोशिश क्यों कर रही थी टीएमसी शुभेंदु अधिकारी के साथ तो बातचीत चलती नहीं लंबे समय तक जब वो नहीं माने तब जाके टीएमसी ने कहना शुरू किया कि ठीक है आप तो। जाए बड़े परिवार का, के मुखिया का ये, ये जिम्मेदारी होती है कि परिवार का कोई भी सदस्य यदि रूठा हो तो उसे परिवार में जोड़कर रखा जाए लेकिन जब तक वो परिवार का सदस्य बना रहना चाहे तब जब वो अपने आप को परिवार का सदस्य मानने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर उसे खुली छूट दे दी जाती है जब तक परिवार में आप बने रहेंगे परिवार के सदस्य के रूप में अपनी अस्तित्व को बनाए रखना चाहेंगे तब तक आपके मान अभिमान सारी चीज का ख्याल परिवार के लोग रखेंगे लेकिन जब आपने आप ये घोषणा कर देंगे कि मैं इस परिवार का सदस्य ही नहीं हूं तो फिर आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं रहती आप जहां जाए चाहे जा सकते हैं तो फिर ये बीजेपी को कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि हम 200 सीट पार करेंगे इस बार लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है और बंगाल के लोग बड़े नाराज है ममता बनर्जी से देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी जब चुनाव लड़ने जाती है तो आज तक मैंने एक भी पार्टी को नहीं देखा जिन्हें यह कहा हो कि चुनाव में हम हारने के लिए जा रहे हैं या हम मेजोरिटी नहीं लाएंगे लोक जनशक्ति पार्टी ने भी बिहार में कहा था कि हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं तो ये राजनीतिक पार्टियों का हथकंडा होता है वो अपनी बातें कहते हैं लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं सुना कि 200 सीट लाएंगे 300 सीट लाएंगे इस पर तो बार बार बातें की जा रही है लेकिन तिरपन हजार करोड़ रुपया बंगाल का जो बाकी है वो हम कब देंगे बंगाल की उन्नति के लिए आपके पास क्या पैकेज है बंगाल में जो लोगों को युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए आप केंद्र सरकार के रूप में कैसे सहायता कर सकते हैं बंगाल की उन्नति के लिए आपके और क्या क्या प्रोजेक्ट है इस पर यदि कोई चर्चा नहीं हो रही है केवल हम दो सीट लाएंगे तीन सीट लाएंगे ये करेंगे वो करेंगे लेकिन बंगाल की उन्नति के लिए क्या करेंगे इसका कोई प्रारूप बीजेपी के कोई भी नेता बंगाल की मिट्टी पर नहीं दे पा रहे शाहनबाज हुसैन आप श्रीनगर में हैं, हालांकि एक्शन सारा बंगाल में हो रहा है और मुझे यकीन है कि आप मिस कर रहे होंगे उसको कि आपको वहां बंगाल में होना चाहिए था इस समय इस पूरी परिस्थिति में जो आप रणनीति लेकर चल रहे हैं वो तो उधार की फौज पे लग रही रणनीति दस लोग आज बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट के नहीं देखिए पश्चिम बंगाल में जिन अमित शाह जी गए हैं हमारे नेता हैं और उनके जाने की धमक से आप देखिए किस तरह हिल रही है ममता जी की सरकार अमित शाह जी के जाने से ही इन लोगों का क्या हाल हुआ है मैं मानता हूं कि हम सब बंगाल के चुनाव में लगेंगे मैं श्रीनगर से ज़रूर जुड़ा हूं लेकिन नज़र बंगाल पर है और श्रीनगर में भी जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बहुत अच्छे आने वाले हैं मैं मानता हूँ कि पश्चिम बंगाल में ममता जी का जो भतीजा है वही ममता जी उसी के लिए राजनीति करती हैं दो ही लोग हैं जिस तरह लोग कहते हैं कि राहुल सोनिया जी के साथ राहुल जी हैं उसी तरह ममता जी के यहाँ भी उनका भतीजा है किसी की कोई इज्जत नहीं है जो उनके पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है किसी से दीदी मिलती नहीं वहाँ कोई लोकतंत्र बचा नहीं है ठीक है तिवारी जी कुछ भी कहें कल इनकी भाषा अलग थी आज अलग है लेकिन मैं मानता हूँ कि बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल के अवाम का माँ माटी मानुष में यकीन रखने वालों का और ममता जी से प्यार करने वालों का भरोसा पूरी तरह टूट गया है और ये लोग इसी तरह अंडर हमें कर रहे थे लोकसभा के चुनाव में जब अमित शाह जी ने कहा था कि हम यहाँ जीतेंगे लोकसभा में जीते लेकिन बंगाल में हम 200 के पार जाएंगे बंगाल के लोगों को अपने आप को बंगाल के लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं वो मिदनापुर के अंदर जितना भी आंदोलन हुआ चाहे नंदीग्राम हुआ वो सब आंदोलन में उस वक्त ममता जी बीजेपी के साथ जब थी तो हम लोग उस आंदोलन में गए थे उनके साथ लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को लगता है कि जिस तरह का आंदोलन हुआ जो वादे उन्होंने किए वो पूरी तरह वो वादा उन्होंने तोड़ दिया और पश्चिम बंगाल के अंदर कोई कानून का राज नहीं है सिर्फ वोट बैंक की सियासत है बंगाल में जब आप राज्य में रहते हैं तो उनको मोदी जी से सीखना चाहिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उनको लगता है जो उनको वोट देंगे वो अपने हैं और जो वोट नहीं देंगे वो पड़ाए हैं किस तरह का माहौल है मैं तो कहता हूं कि जो माहौल कश्मीर में नहीं है उस तरह उससे भी खराब माहौल पश्चिम बंगाल में बना दिया कोई बीजेपी का झंडा लेगा उसका सर कलम कर दो उसको पोल में टांग दो उसको फांसी पे लटका दो पंचायत का चुनाव जो जीतेगा उसको बाहर कर दो झारखंड में हमको उनको रखना पड़ा था लेकिन बीजेपी ने तय किया है उतनी ताकत से हम लड़ेंगे वहां हमारी पार्टी के लोगों को मार रहे हैं तृणमूल द्रन्ण। कांग्रेस के लोग उन्हीं को तो आप बीजेपी में लेते चले जा रहे हैं और जब एक इस्तीफा होता है देखिए इनका एक और आदमी हमारी तरफ आ गया तो मेरा सवाल तो वहीं का वही है कि उधार की फौज से कैसे लड़ाई जीती जाती है देखिए उधार की फौज नहीं है रोहित जी पश्चिम बंगाल का जो हित चाहेगा चाहे हमारी उसकी लड़ाई रही हो लेकिन जो पश्चिम पश्चिम बंगाल का हित चाहेगा जो बंगाल में माँ माटी मानुष के नारों से परेशान होकर यहाँ आया है उसको ज़रूर हम साथ देंगे और साथ लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई दुशारी नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमारे बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर बार जो लोग भी आए हैं उनका हमने स्वागत किया है और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की लड़ाई है अमित शाह जी का भाषण आपने देखा है उसमें क्या कहा ये ममता जी तो कांग्रेस में थी और वो जब तृणमूल उन्होंने बना ली तब दिक्कत नहीं थी आज कोई दूसरा आ जाता है कहते हैं वो दल बदलू हो गया आज मैं मानता हूँ कि ये बंगाल की लड़ाई बीजेपी की लड़ाई नहीं है ये बंगाल की लड़ाई बंगाल के उन भद्र लोगों की लड़ाई है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को हटाकर ममता जी में सपने देखे थे वो सारे सपने तोड़ दिए हैं वो सारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो गुंडे थे वो यहाँ आ गए जो कांग्रेस पार्टी के बाहुबली थे वो आ गए और आज ममता जी की पार्टी में ये हालत हो गई है कि ममता जी की पार्टी में वसूली पूरी तरह है टैक्स पूरा लगता है आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव के वक्त उन्होंने कहा कि जो पैसा लिया है वो लौट लो, लौटा दो बंगाल में पूरी तरह कट लगता है हर योजना में इसलिए बंगाल की जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है भरोसा है मोदी जी में भरोसा है भारतीय जनता पार्टी में लोग हमारे साथ आ रहे हैं तो हम अपना दरवाज़ा बंद नहीं करते हम कांग्रेस पार्टी नहीं हैं जो एक परिवार के लिए पार्टी चला रहे हैं हम टीएमसी नहीं हैं सिर्फ दीदी और भतीजा के लिए पार्टी चला रहे हैं हम बंगाल के मिट्टी से जुड़े हुए लोग मजबूत लोगों को ज़रूर अपने साथ जोड़ेंगे और ये तो अभी झांकी है अभी असली खेल बाकी आप देखिएगा जैसा अमित शाह जी ने कहा जब चुनाव चरम पर होंगे तो बस दीदी और भतीजा रह जाएंगे और उनके जो एक शोक सलाहकार हैं वही रह जाएंगे बाकी कोई बचने वाला नहीं है सबको लगता है कि टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जो एक परिवार की पार्टी हो गई और ममता जी की पार्टी ठीक कांग्रेस पार्टी में जैसे राहुल जी सोनिया जी की पार्टी मानी जाती है वैसे मम बुआ भतीजे की पार्टी मानी जाती है तो कोई भी स्वाभिमानी आदमी वहाँ कैसे काम करेगा ठीक है है, मैं आपकी बात पे शांतनु जी से कमेंट लेता हूं। उसके बाद और मंडल आपके पास शांतनु जी दस लोग बीजेपी में शामिल हुए। और तब आपको देखेगा, असली खेल देखने को मिलेगा क्या वाकई इतनी भगदड़ मची है जितनी दिख रही है पहले, पहले बात तो है अभी भी किसी किसी जगह में दोपहर में व्यापारी घुमा करता है और बोलता है घर में टूटा फूटा बर्तन है तो दे दो हम ले लेंगे घर में टूटा फूटा बर्तन है तो दे दो हमको हम ले लेंगे हमको तो लग रहा है पूरा देश में जब किशा, जब किसान भाइयों ने सुसाइड कमिट कर रहा है तब हमारा जो होम मिनिस्टर है वो ऐसे बर्तन लेके बाकी टूटा फूटा बर्तन मांगने के लिए घूम रहा है द्वार द्वार में सबसे ज्यादा दुख की बात है अब तक ट्वेंटी फार्मर्स का मौत हो गया और उन्होंने वो हमारा होम सेक्रेटरी होम मिनिस्टर जो है वो कभी जा रहा है किसी कहीं जगह पे म्यूनिसिपल इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए और अभी इलेक्शन का फायदा लेने के लिए कभी वेस्ट बंगाल आ रहा है कभी आसाम में जाने का बात कर रहा है लेकिन ये हम लोग के लिए अच्छा सुकून है क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा जहां जहाँ वो गया है वो जहां जहाँ गया है उसका उसका लीडरशिप में जहां जहां इलेक्शन हुआ है चाहे वो कर्नाटक हो चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे महाराष्ट्र हो उसका रिजल्ट क्या हुआ हमने देखा है और रही, रही बात पार्लियामेंट इलेक्शन की आपको याद है कि दिल्ली का पार्लियामेंट चुनाव में जो सेवेंटी असेंबली सीट है उसमें सिक्सटी फाइव उनको उनको मिला था लेकिन असेंबली चुनाव जब हुआ सही में जहां पर इक्यान सीट उसको पार्लियामेंट के हिसाब से जीता था असेंबली में वो, वो गिर के आ गया ट्वेंटी फाइव में हमको ये कहना है कि देश में जब बीस कृषक मर रहे हैं जब इतना बड़ा नेशनल इश्यू है पूरा देश में जब बीजेपी रन स्टेट में इतना वायलेंस हो रहा है तो अभी द्वार द्वार में जाके पुराना टूटा फूटा बर्तन मांगने का जो भीख मांगने का काम कर रहा है तृणमूल पार्टी इससे कंसर्न नहीं है तृणमूल पार्टी आइडियोलॉजी लेके चलता है हमारा पास पैंतीस एम पी हमारा पास दो सौ एम एल ए है हम लोग नहीं इनकार कर सकते ना कि आपके स्टेट में भी वायलेंस तो हो रही है आप खुद बताते हैं कि आपके कितने लोग मारे गए हैं

बात पॉलिटिकल वायलेंस की हो रही है कि राजनीतिक पार्टी विरोध में एक दूसरे के लोगों का गला काट दे रही हो ये तो किसी और स्टेट में नहीं दिखता आपके और केरल के अलावा ज्यादा और आजकल तो केरल से भी इतनी खबरें नहीं आती जितनी आपके यहां से आती कौन बोला है अपने तो वजह होगी उसकी बंगाल में बंगाल में डेमोक्रेसी है बाहर में बाहर में जो मीडिया वाला है उसको उसको थ्रोटल किया जाता है पीटीआई का जो सब्सक्रिप्शन है वो बंद किया जाता है मीडिया को खरीद लिया जाता है बंगाल में ऐसा नहीं है बंगाल में आपको एक मच्छर भी काट दिया तो उसके बाद मीडिया के लिए इंडिपेंडेंस है कि उसको खबर करे न्यूज करे और बीजेपी रन स्टेट में जाइए ऊपर मर्डर भी हो जाएगा तो आपको जबरदस्ती खबर नहीं करने देंगे और अगर आप खबर कर देंगे तो आपका चैनल बैन कर दिया जाएगा आपको मार दिया जाएगा जर्नलिस्ट का जो हाल हो रहा है बीजेपी रन स्टेट में बीइंग ए जर्नलिस्ट आपको ये एडमिट करना चाहिए ने किया कि आपने देखे होंगे इससे ज्यादा खराब स्थिति ना देश में कभी आया था ना देश में कभी हो सकता है और सबसे दुख की बात है जो देश का मिनिस्टर है, जिसका है, देश का का होम मिनिस्टर है 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 जिसका जिसका ड्यूटी ड्यूटी सिक्योरिटी देना देना सबको सेफ्टी उसका हालत में जब बीस फार्मर सुसाइड कर रहा है और वो बंगाल में आसम में घूम रहा है कि किसका पास टूटा फूटा क्या है उसको दे दो हम उसको लेके पार्टी बनाएंगे इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकता है सबसे पहले उनको अपना घर में जाना चाहिए पूरा देश का चलिए वापस चारी चारी आते चारी हैं आपके चारी पास चारी। आप कह रहे हैं कि टूटे फूटे बर्तन इकट्ठे कर रहे हैं सवाल यह कि आपकी पार्टी में इतनी टूट फूट हो रही है इसका मतलब इतने टूटे फूटे बर्तन हैं इसका मतलब कि वो बिखर जा रहे हैं और टूटे फूटे बर्तन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इकट्ठा करने वाला आता है तो बदले में कुछ ना कुछ ले जाता है क्या पश्चिम बंगाल की सरकार तो नहीं ले जाएंगे ब्रेक के बाद वापस आने के बाद इस सवाल को आपसे पूछेंगे और जयंत घोषाल मोनोजीत मंडल ब्रेक के बाद आप दोनों के पास वापस आते हुए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं क्या वाकई ममता बनर्जी बंगाल में अकेले ले जाएंगी दंगल जारी तो बार बार बीजेपी किस दम पर ये दावा कर रही है कि 200 सीट बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल जाकर एक बार फिर ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी यह कहा चुनाव आते आते ममता दीदी अकेली रह जाएंगी सुनील मंडल जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए आज तक ने आज उनसे बात की जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा कई नेताओं ने शिरकत की है एक साथ एक मंच पर अमित शाह की उपस्थिति में हमारे साथ है सुनील मंडल सांसद है तृणमूल कांग्रेस से क्या कहूँ आपकी इस समय स्टेटस को क्या होगा क्या होगा क्या, क्या स्टेटस चाहिए स्टेटस चाहिए बोलिए तो बहुत होगा आने दिन में आपको समझ में आ जाएगा स्टेटस क्या होगा बीजेपी के मंच पर तृणमूल कांग्रेस सांसद क्या कहते हैं इसको कैसे समझाएं हम हमारे जनता को व्यूअर्स को आप कैसे क्या बताना चाहेंगे तृणमूल का जो अभी काम चल रहा है आईपैक का जो तलाबाजी चल रहा है तृणमूल दल जो बिजनेस में शामिल हो गया इस विरोध में हम हैं, हम हैं शुभिंद्र जी है हमारा जो एम जो आज आया आज तो सूचना कर दिया हम इस बाद में उसको पूरा रचना का जो पूरा काम हम करेंगे नाराजगी है किससे तृणमूल कांग्रेस में किससे नाराजगी है? आईपैक है उसका भतीजा है ममता बनर्जी से नहीं ममता बनर्जी के साथ पहले बोला जो उसका साथ हमारा कुछ ही नहीं ममता बनर्जी का नाराज है इसलिए जो वो देख के आग बंद कर देते हैं इसलिए अंधविश्वास है उसका उसको एक बार आग खुल के मुकाबला कर देता तो ऐसा हाल नहीं होता जब आप बात कर रहे हैं आज इस मंच पर आने की क्यों आए हैं इस मंच पर क्या भरोसा है आगे भरोसा तो है आम आदमी का देखिए हम तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक इसलिए है जो पब्लिक का आज पब्लिक का आम आदमी का इसको विरोध में है दल का विरोध में है क्यों है हर चीज में तलाबाजी है जिसका हम तो बहुत काम किया गवर्नमेंट काम किया लोन भी किया सीपीएम थर्टी फोर ईयर्स में एक लाख छियासी हजार करोड़ रुपया लोन है और हमारा चार लाख पंचान हजार करोड़ रुपया लोन हो गया छोड़ दीजिए काम करने के लिए लोन हो सकता है कि उसको कुछ बात नहीं है और क्या है तो संगीत रागी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस और साथ ही आरएसएस के साथ भी जुड़े हुए हैं लेकिन ब्रेक के पहले जयंतो घोषाल आपने सबकी बातें सुनी टीएमसी को भी सुना बीजेपी को भी सुना क्या यह एक सामान्य बात है कि चुनाव के पहले वो पार्टी जो इतने लंबे समय से सत्ता में हो उसके लोग एक के बाद एक लगातार दूसरी पार्टी में शामिल होते चले जाएं ये नॉर्मल है देखिए आप मुझे जानते हैं मैं तृणमूल के स्पोक्समैन और बीजेपी के स्पोक्समैन दोनों तरफ से बातें सुन रहा हूं जो मेरा पर्सनल जो राजनीतिक विश्लेषण पैंतीस साल का जो पश्चिम बंगाल का जो अनुभव है ये अमित शाह जी जो कोशिश कर रहे हैं ये बहुत बड़ी एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके बहुत एग्रेसिव है और आप जो कह रहे हैं ना एक एक करके जो आ, आ रहे हैं ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे होता है चुनाव के पहले जो मनोबल है वो तोड़ रहा है तृणमूल का भाजपा का यह एग्रेसिवनेस के कारण और तृणमूल से शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं मैं तो यह नहीं कह सकता हूं कि यह तृणमूल के लिए बहुत सुखद घटना है बहुत अच्छी बात है यह तो कोई नहीं कहेगा लेकिन इसके साथ साथ यह भी आपको बोलना पड़ेगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ अभी सुनील मंडल भी नहीं बोल रहे हैं और ममता बनर्जी का एक लार्जर देन लाइफ इमेज अभी भी पश्चिम बंगाल में है जैसे मोदी जी नेशनल लेवल में एक पॉपुलर फेस है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी है और जो एम को टिकट नहीं मिलेगा कम से कम ऐसे पचास एम एल एज जो जिसको अभी इस बार टिकट नहीं मिलने वाला है तो अगर वो बीजेपी में आ जाए और अगर तृणमूल का अपमानित तृणमूल का अगर आप ब्रांच बना दे बीजेपी को और स्टेट बीजेपी जो है वो अपमानित तृणमूल का एक ऑफिस खोले तो ये भी बीजेपी का भी एक प्रॉब्लम है लीडरशिप का पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी का स्ट्रांग स्टेट लीडरशिप होता तो तृणमूल के से उधार लेने का जरूरत भी कम होता जरूरत ही नहीं होता मैंने रोहित जी मैंने सुखराम भूटा सिंह को भी देखा बीजेपी में ज्वाइन करना और सुखराम जब टेलीकॉम स्कैंडल था ज्वाइन करने के बाद वो भी वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गया था और बूटा सिंह का झारखंड का केस था तो मैं ये कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी जब पैसा ले रहे थे टेलीविजन में जब दिखाया था मुकुल राय का जो स्कैम था वो आज बीजेपी ये उठा नहीं सकते हैं ये भी एक एस्पेक्ट है लेकिन तृणमूल जो है उनके जो मास बेस है सुवेंदु का जो है, आप जानते हैं वह मुस्लिम आ, कितना है नंदीग्राम तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था और वहां जो मुस्लिम पॉपुलेशन है क्या शुभेंदु अगर, अगर अलग पार्टी करता अलग बात है भाजपा में ज्वाइन करने से क्या मुस्लिम वोट बीजेपी में चला जाएगा लेकिन मैं ये कहूंगा अमित शाह जी इतना एनर्जेटिक इतना एग्रेसिव और अध्यक्ष बनने के बाद अब याद कीजिए अमित शाह जी आ, ने बोला था पैन इंडियन पार्टी बनने के लिए बंगाल को दखल करना जरूरी है तो आप शुरू में ही जो बोले थे ना कि दन दन जो वेद चाणक्य का जो नीति है वो चारों जो नीति वो इस्तेमाल कर रहे हैं भाजपा इसीलिए ममता बनर्जी के लिए चैलेंज भी है बहुत बड़ी चैलेंज है इस बार रोहित जी लेकिन संगीत रागी क्या उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बीजेपी को बढ़त मिल रही है या फिर सामने भले ही बढ़त दिखती हो जमीन पर जो बात ये कह रहे हैं कि समीकरण उनके पक्ष में नहीं जाएगा भले शुभेंदु अधिकारी इनके पास आ जाएं क्योंकि वहां वोट बैंक सपोर्ट नहीं करेगा देखिए संगीत दो, रागी दो तीन बात देखिए दो तीन बातें रोहित जी सांस्कृतिक भारतीय जनता पार्टी और संघ का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बंगाल के बगैर अधूरा है बंकिम विवेकानंद बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष की भूमि से जहाँ से ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद निकला जब तक उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं होता है जब तक उसकी धमक नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी का अभियान अधूरा रहेगा दूसरी बात देखिए ये सिर्फ ये कह देने से कि ये साइकोलॉजिकल बार है मुझे नहीं लगता है कि ये अपने आप में सच्चाई है यदि पार्टी के आपके मास बेस के लोग यदि उखड़ करके आदि आप दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा नहीं होता है मैं भी राजनीति को पिछले 40 साल से देख रहा हूं अध्ययन कर रहा हूं पढ़ाता भी हूं और ये मैं कह सकता हूं कि यदि कांग्रेस के एम एल ज्वाइन करते हैं सी के एम एल ज्वाइन करते हैं सी के एम एल ज्वाइन करते हैं यही वो चीज था जब 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 वामपंथियों के खिलाफ जब लहर उठी थी पश्चिम बंगाल की राजनीति में तब इसी प्रकार का एक प्रकार का भगदड़ मचा था यह एक साइकोलॉजिकल वारेर नहीं है यह एक भगदड़ है जो बताता है कि आने वाली राजनीति का संकेत किधर है आने वाली राजनीति की दिशा कैसी है और तीसरी एक बात दस सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा देखिए इस देश के जितने भी रीजनल पार्टी खड़े हुए वे करीब करीब पारिवारिक पार्टी में कन्वर्ट कर गए सिरोमणी अकाली दल से लेकर के यदि दक्षिण की राजनीति में आप जाएं उत्तर प्रदेश में जाएं बिहार में सारे के सारे रीजनल पार्टी परिवार पार्टी में कन्वर्ट हो गए ममता बनर्जी एक भी एक रीजनल पार्टी के तौर पर कांग्रेस से टूट करके खड़ी हुई थी और वो एक परिवार की पार्टी के रूप में कन्वर्ट करना शुरू कर चुकी थी जब भी हम बात करते हैं तो उनके बाद कहा जाता है कि उनका उत्तराधिकारी जो होगा वो तृणमूल का कोई वरिष्ठ व्यक्ति नहीं होगा बल्कि उनके भतीजे होंगे वही सारे कारोबार संभाल रहे हैं ऐसी स्थिति में इन लोगों का जो अपने खून पसीने लगाए हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए उनके बीच में तृणमूल से जो मोह भंग होना है वो सहज होगा और मुझे लगता है नाराजगी तो बीजेपी में भी आएगी

को यदि आपको मैंने बार बार इसीलिए कहा बड़ा दुश्मन क्योंकि 30 साल सैतीस साल तक बंगाल की राजनीति वामपंथी आतंकवाद के साय में जिंदा रही और पिछले 10 साल से 10 साल की राजनीति जो है उसकी जो यदि हम दिशा देखें तो नोआ खाली के बाद बसीर हाट और और मालदा हुआ वो आने वाली राजनीति जो है वो पॉलिटिकल राजनीति बंगाल की जो है वो इस्लामिक आतंकवाद के साय की तरह धकेली जा रही है मुझे लगता है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन अनुशासित कार्यकर्ता जो होंगे इस चीज को जरूर इनका मूल्यांकन करेंगे और मुझे उनको लगता है कि यदि बंगाल की समृद्धि को सांस्कृतिक समृद्धि को बचाए रखना है, है। तो जी तो जी ऐसी दादा। में इन सारी चीजों को बर्बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें सिर्फ ऐड करना है ओके मोहन जी मैं एक चीज पूछ रहा हूं क्या भगदड़ है वाकई तृणमूल कांग्रेस में जैसा ये लोग कह रहे हैं हाँ, बोलिए जयंतो साहब आप बोलिए बोले जयंतो। एक एक सेंटेंस बोलूंगा। आपको जानकारी होना चाहिए शायद आप जानते नहीं है बहुत विनम्रता के साथ बोल रहा हूं अधिकारी जो परिवार है पिताजी है शुभेंदु है शुभेंदु का भाई एमपी बने थे ये भी एक परिवार है तो ये परिवारवाद नहीं है और वहां अभिषेक कहा दूसरी बात बारी, है शुभेंदु का तीन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो पोर्ट था।, 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 था एक सेंटेंस तीन तीन मिनिस्ट्री था पांच कोऑपरेटिव का चेयरमैन शुभेंदु अधिकारी हल्दिया डेवलपमेंट का चेयरमैन तो ये सब क्या शुभेंदु अधिकारी को इतना ये कहा है अभिषेक पूरा मेदिनीपुर आउटसोर्स हो गया था पोर्ट फोर्ट पोर्ट जो है हल्दिया पोर्ट वो भी शुभेंदु अधिकारी वॉज द चेयरमैन तो ये ये आपको बोलना गलत है कि अभिषेक ठीक तो, करके करके बात है क्या क्या करने दीजिए मुझे एक परिवार के व्यक्ति उसका बेटा उसकी बेटी राजनीति में आए तो ये बात समझ में आती है लेकिन यदि वही परिवार उसकी पूरी राजनीति को संचालित करे

केवल साइकोलॉजिकल नहीं है जो वीर सवरकर के पार्टी वो पार्टी खुदीराम रहे हैं जिसने पांच छह माफिया मांग के फांसी से और यू you नो know, जेल से छुटी यही है इस देश का हाल है जो श्याम प्रसाद मुखर्जी का जो सर, आप, थे उसी पार्टी का आप अरे आप बोल लो प्लीज

का कमेंट पूरा तो सुनिए बंगाल के चुनाव मैदान में उतरेंगे तो इन्हीं चीजों के जवाब देने होंगे आपको क्योंकि है जब वो बैठ के यहाँ बोल रहे हैं तो आप बंगाल की रैलियों में भी तो यही सब सुनेंगे कब उसका जवाब आपको वहां भी देना होगा आपको देखिए बात पूरी कीजिए फटाफट समय कम है एक बात खत्म कीजिए समय कम है और और एक बार आपको ये ये प्रमाण हो चुका है कि सबसे वायलेंट पार्टी है बीजेपी स्टूडियो में ये लोग प्रमाण कर चुके हैं किसी को बात नहीं करने देते गाली देते हैं ममता दी को देखिए मैंने इतिहास के बारे में है या नहीं है इतिहास है जो भगदड़ा ये बात आप बोलेंगे जो भगदड़ करके जा रहे हैं ना वो वापस भी आ रहे हैं और ये भी आ जाएंगे यहाँ पर जो दिलीप मुकुल और कैलाश के जो ट्राय है ना किसी को काम नहीं करने देता है इससे बड़ा लीडर है शुभेंदु जी शुभ जी के घर के अभी दो एम पी हो टीएमसी के है एक चेयरमैन हो टीएमसी में है और इसीलिए हम तृणमूल त्रिन, लोगों को जो डिफेंड करते हैं उनको सलाह दूंगा डोंट स्कोल्ड हिम डोंट एव्यूज हिम हम जानते हैं यहां बीजेपी का क्या हो रहा है बीजेपी के अंदर

नमस्कार मैं हूं अंजना ओम कश्यप हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें